देखिए, आपका संविधान भाई चल रहा था, संविधान का संशोधन पढ़ाया जा रहा था। उसमें एक तो संविधान संशोधन के बारे में आपका जो सामान्य नियम था वो बताया गया। फिर आपका संविधान संशोधन में आपका दूसरा पॉइंट हमने उठाया था, वह उठाया था कि फंडामेंटल राइट में संशोधन हो सकता है कि नहीं, जो हमने बताया था पिछले माने लेक्चर में। उसमें आपका ये बताया गया था कि जो वर्तमान समय का नियम है केशवानंद भारती के केस के बाद, कि संसद मूल अधिकार सहित संविधान के किसी भी प्रावधान में, यानी कि अब पूरे संविधान में कहीं भी एमेंड कर सकती है, संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें संशोधन नहीं कर सकती। अब बेसिक स्ट्रक्चर पर भाई लेक्चर सोमवार को दिया जाएगा, और आज पहले जो 368 का, बैठिए आगे बैठिए हो इधर, आगे बढ़कर बैठा करिए। और जो 368 का बेयर एक्ट है, एक एक जो छोटी छोटी बातें हैं वह सामान्य है, लेकिन उसके सामान्य से पहले जो संविधान संशोधन की तीन प्रक्रिया है उसको दो दो लाइन बता दिया जाए, तब आपका अनुच्छेद 368 और एक एक शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, इसमें कौन सा शब्द कब जोड़ा गया यहाँ तक पूछा गया है। तो एक एक शब्द मैं बताऊंगा, लेकिन फिर हम बता दें, जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन में एमेंड की बात है, संविधान में संशोधन तीन प्रकार से हो सकते हैं। एक सादे बहुमत यानी कि साधारण बहुमत, यानी कि आपका सिंपल मेजॉरिटी से, सिंपल मेजॉरिटी से किन किन अनुच्छेदों में संशोधन हो सकता है वो आगे हम बताएंगे डिटेल में। सादा बहुमत का मतलब ये हुआ कि उपस्थित और मत देने वालों का आधा से अधिक, यानी कि 500 लोग उपस्थित हैं तो आपका उसका आधा से अधिक कर दीजिए, यानी कि 250 आधा हुआ, और आधा से एक भी अधिक हो जाएंगे, यानी कि आपका 251 जैसे ही सांसद पक्ष में मतदान कर दिए तो वह संविधान संशोधन क्या हो जाएगा, पास। और ये जो प्रक्रिया है, फिर एक बात समझिए, ये जो प्रावधान है ये अनुच्छेद 368 से गवर्न ही नहीं होता, यानी कि इस बारे में प्रावधान अनुच्छेद 368 में किया ही नहीं गया है, क्योंकि उतना महत्वपूर्ण ये बातें मानी नहीं गई, माने उतना महत्वपूर्ण नहीं माना गया। तो अब अगर क्वेश्चन आए कि आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की कितनी प्रक्रिया दी गई है, तो आपका ऑप्शन चेंज होना चाहिए, ओके, कितनी, दो। कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनमें संशोधन के लिए संसद की स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब हुआ विशेष बहुमत, विशेष बहुमत का मतलब हुआ आपका कुल सदस्य संख्या का बहुमत, और उपस्थित और मत देने वालों का 2/3। तो कुछ प्रावधान ऐसे हम बताएंगे उसको आगे, अभी पहले तीनों बता तो दें उसके बाद। तो यानी कि विशेष बहुमत 2/3, यानी कि 2/3 बहुमत, जैसे कि मान लीजिए आपका अगर 300 सांसद हैं तो 2/3 मतलब कम से कम 200, लेकिन बहुमत भी देखना पड़ेगा, तो उसको प्रक्रिया हम इसमें बताएंगे, क्योंकि इसी बेयर एक्ट में 368 में वो है, तो पढ़ते समय पढ़ाते समय डिटेल में हम बताएंगे। ऐसी प्रावधान जो फेडरल पर अटैक करते हैं, जो परिसंघीय ढांचे से संबंधित हैं, उसमें जो आपका एमेंड का प्रोसीजर है वह और कठिन है। कठिन है मतलब कि आपका अनम्य बना दिया गया है, अनम्य मतलब आपका कठोर बना दिया गया है। तो क्या है प्रक्रिया, तो कुछ प्रावधानों में संशोधन करने के लिए संसद का स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, संसद की विशेष बहुमत, और कम से कम आधे राज्यों के विधान मंडलों का अनुसमर्थन, यानी कि आधे राज्य के विधान मंडल उस संशोधन को संकल्प द्वारा क्या करें, पास करें।
यहाँ जो संसद ने किया है उसको हम मानते हैं और ये क्या है सच। यहाँ भी हम बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं। तो फिर एक बार लास्ट में ये याद रखिए, संविधान में संशोधन कितने प्रकार से, सामान्य क्वेश्चन आ जाए तो कितना मारेंगे, 3, और 368 में कितने प्रकार से, 2, 368 में कितनी प्रक्रिया दी गई है, 2। तो तीनों हम बताएंगे और डिटेल में। अब देखिए आपका एक एक करके भाई, अब एक एक शब्दों को देखा जाता है और मैं बता भी चुका हूँ कि अनुच्छेद 368 में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है। ये शुरुआती दौर में ही मैं बताया था 4 बार, चारों याद करके जाइएगा। और कौन कौन 4 बार है, 7वां, 24वां, 42वां और कौन 101वां जीएसटी के अनुच्छेद संशोधन द्वारा एक, चलिए याद तो किए हैं भाई। अब एक एक शब्दों पर ध्यान दीजिए, देखिए इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इंटरव्यू में कैसा बना है प्री में। अनुच्छेद 368 पहले हेडिंग देखिए, संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया। तो पहला क्वेश्चन जे में यही बनता है, देखिए पहला क्वेश्चन मैं हेडिंग से बना रहा हूँ, ये बन चुका है, 2 बार रिपीट किया है। अनुच्छेद 368 में दिया गया है आपका संसद की संविधान संशोधन की शक्ति, संसद की संसद माने संविधान संशोधन की प्रक्रिया, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आप क्या मार कराएंगे, क्या लिखा है बेरेक में, एक की दोनों। अब अगला क्वेश्चन आइए आपका, पहले मूल रूप से जो संविधान में प्रावधान था वह केवल आपका था कि संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया थी, लेकिन शक्ति बाद में जोड़ी गई, उसका इतिहास हल्का सा देखना, क्योंकि सब केस बता दिए गए हैं तो इतिहास बताने में आसानी रहेगी। देखिए इतिहास यहाँ से क्वेश्चन आपका बना है कि आपका शक्ति शब्द कब जोड़ा गया, तो सतर्क होकर जानना है, गोलकनाथ के बाद में उच्चतम न्यायालय ने ये कहा था कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती और अनुच्छेद 368 में केवल और केवल संशोधन का प्रोसीजर या संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है, संसद को पावर नहीं देती। पावर आपका 246, 47, 48 में अनुसूचियों में मिलता है, यहाँ से नहीं। तो इस निर्णय को सेटेसाइड करने के लिए, सेटेसाइड न कहिए, प्रभावहीन, अपास्त नहीं कहा जाता, अपास्त मैंने वो भी, लेकिन सही शब्द है प्रभावहीन। भाई मैं बता दूं सही शब्द यहाँ क्या यूज किया जाएगा, मैंने इस निर्णय को विफल करने के लिए, प्रभावहीन करने के लिए 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा आपका इसमें प्रक्रिया के साथ साथ कौन शब्द एक जोड़ दिया गया, प्रक्रिया तो पहले से थी और कौन शब्द जोड़ा गया, शक्ति। तो समस्या ये बनता है कि शक्ति शब्द मूल संविधान में था कि यहाँ नहीं, नहीं कब जोड़ा गया, 24वें द्वारा 368 में, अब क्या है प्रक्रिया की शक्ति की दोनों, हाँ कब जोड़ा, किस केस के बाद जोड़ा गया, गोलकनाथ। अगला देखिए शब्द, पहला खंड देखिए, एक एक शब्दों पर गौर करना, मैं फिर बता दूं ये नहीं कि आसान नहीं है, एक एक शब्द देखिए। इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, अब इसी को पहले समझिए और कई लोग इसी को नहीं समझ पाएंगे, यानी कि इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, अब इसका अर्थ निकालना है और अर्थ निकालने के लिए फिर कोरिलेशन करना है। देखिए कोरिलेशन मैं क्या करता हूँ, अनुच्छेद 13 का क्लाज 2 देखना है और अनुच्छेद 13(3) का क्लाज ए देखना है। पहले ये दोनों देखिए, तो अनुच्छेद 13 का खंड 2 ये बताता है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो हमारे मूल अधिकारों को कम करती है या छीनती है। अगर राज्य ऐसा कोई कानून बनाता है तो वह कानून उस लिमिट तक
उस सीमा तक क्या होगा, बार बार बताया जा रहा, शून्य होगा, वाइड होगा या उर्दू में बातिल होगा, ये हम बताएं कई बार। विधि में क्या क्या शामिल है, ये अनुच्छेद 13(3) का खंड ए बताता है कि विधि में आपका 8 बातें शामिल हैं और इन 8 बातों में कहीं भी संविधान संशोधन का जिक्र नहीं किया गया है, अर्थात 368 के तहत जो संविधान संशोधन किया जाएगा क्या वह आर्टिकल 13 के लिए ला माना जाएगा कि नहीं। तो शंकरी प्रसाद, अब इतिहास से फिर कवर करना है, केस याद रखिएगा, 2 दिन में बता। शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह दोनों केसों में ये कहा गया कि जो संविधान संशोधन होता है वह आर्टिकल 13 में ला नहीं माना जाएगा, यानी कि 368 पर आर्टिकल 13 का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन इन दोनों केसों को गोलकनाथ के मामले में सेट एसाइड किया गया और कहा गया कि अनुच्छेद 368 के तहत जो संविधान संशोधन होगा वह 13 में भले न लिखा हो विधि माना जाएगा, और जैसे ही विधि माना जाएगा तो कौन सा अनुच्छेद राज्य पर प्रतिबंध लगाता है कि आप मूल अधिकारों को कम नहीं कर सकते, छीन नहीं सकते, तो 13 का कौन सा क्लास, तो ये आपका गोलकनाथ में आया। गोलकनाथ के बाद संसद ने अनुच्छेद 368 में 24वां माने ये संशोधन किया, और संशोधन 24वां मुख्य रूप से संशोधन करके, और आपका स्पष्ट आगे बताया जाएगा अभी बेरक, यानी कि ये इतिहास देखना है। अब आपका समस्या ये है कि आपका जो बैठिए भाई, 2 लोग बैठिए इधर, हाँ देखिए, अब समस्या ये है कि आपका इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, इसका मतलब ये हुआ कि इस संविधान के किसी भी अनुच्छेद में, यानी कि 395 अनुच्छेद हैं और 368 के अलावा किसी भी अनुच्छेद में कोई भी विपरीत बात भले लिखी गई हो, लेकिन सब पर प्रिवेल कौन करेगा, 368। इसका मतलब ये हुआ, इसको आप दंड प्रक्रिया संहिता में भी ऐसी बातें लिखी गई हैं, कई जगह लिखी गई हैं, बस आपका एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ कि आपका लिखा भी गया है तो कई जगह ये बात मिलेगी। इसका मतलब ये होता है कि कानून में किसी धारा में कुछ भी लिखा हो वह प्रावधान सब पर क्या करेगा, प्रिवेल करेगा, अभिभावी होगा। एक उदाहरण मैं सीआरपीसी से बताता हूँ तब इसको आगे बढ़ाता हूँ। अगर आप सीआरपीसी की धारा 260 पर गौर करिएगा, जाकर देखिएगा, उसमें लिखा है कि इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी, यानी कि सीआरपीसी की किसी भी धारा में कोई भी बात लिखी गई हो 260 के प्रावधान लागू होंगे, भले किसी धारा में किसके विपरीत बात लिखी गई हो 260। तो इसका मतलब संविधान में ये हुआ कि भले किसी अनुच्छेद में कुछ भी लिखा गया हो, आपका 368 के प्रावधान क्या होंगे, सब पर प्रिवेल करेंगे, लागू होंगे। आगे देखिए, संसद अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए, अब दूसरा क्वेश्चन आया कि संसद अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए, यानी कि पार्लियामेंट, तो फिर क्वेश्चन आया कि पार्लियामेंट की परिभाषा कहाँ दी गई है, तो कई बार मैं बताया हूँ 79 में, पार्लियामेंट में हमारे 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और उसका अभिन्न अंग कौन है, सदन नहीं है, राष्ट्रपति। संसद का मतलब कौन हुआ, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, कितने सदन, 2 और 1 राष्ट्रपति, राष्ट्रपति सदन नहीं है लेकिन संसद का अनिवार्य अंग है, ये याद रखे। किस अनुच्छेद में हमने बता रखा है, अनुच्छेद याद रखे 79। संसद अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए,
यानी कि संविधायी शक्ति माने कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। कॉन्स्टिट्यूशनल पावर का मतलब कि जो संविधान में शक्तियां दी गई हैं, यानी कि संसद अपनी माने जो संविधान में उसे पावर दिया गया है उसका प्रयोग करते हुए यूज करते हुए क्या कर सकते हैं संसद, इस संविधान के किसी उपबंध का। अब देखिए, इस संविधान के किसी उपबंध का अर्थात इसका मतलब पूरे संविधान का। इस संविधान मतलब कौन, इंग्लैंड का संविधान कि भारत का? तो हाँ, भारत का। इस संविधान के किसी उपबंध, उपबंध माने किसी प्रावधान में परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन बना है कि अमेंडमेंट यानी कि संशोधन का मतलब क्या हुआ, तो आप ये बताएंगे कि संविधान के किसी प्रोविजन में, उपबंध में संसद द्वारा या तो परिवर्धन किया जाता है, परिवर्धन माने कुछ ऐड करना, ना है तो शब्द लिख लीजिए, ऐड करना मतलब क्या हुआ, कुछ जोड़ना। यानी कि संसद को पावर है कि वह संविधान में कुछ जोड़ सके, तो दो तीन चीजें जो जोड़ी गई है वो तो बता दीजिए। नौवीं अनुसूची हुई, दसवीं हुई, ग्यारहवीं हुई, बारहवीं हुई, भाग चार ए हुआ, इत्यादि अनुच्छेद जोड़े गए हैं नए नए, ये क्या कहलाएगा, एड, कुछ जोड़ सकती है। दूसरा परिवर्तन माने कुछ चेंज कर सकती है, शब्द चेंज कर दे, प्रावधान चेंज कर दे। और निरसन का मतलब ये हुआ कि किसी उपबंध को क्या कर सकती है, निरसन बार बार बताया जा रहा है, निरसन माने क्या, समाप्त। भाई फिर एक बार बताइए, निरसन मतलब क्या हम बता रहे हैं, तो अब देखिए ध्यान से देखिएगा, शब्द जो यूज किया गया यही आपका पॉइंट इंटरव्यू और प्री में, संविधान में संशोधन का मतलब क्या हुआ, तो आप ये बताएंगे कि संसद द्वारा संविधान के किसी उपबंध में या तो कुछ ऐड करना यानी कि परिवर्धन करना, या कुछ चेंज करना यानी कि परिवर्तन करना, या किसी उपबंध को निरसित करना, रिपील या समाप्त करना, इन तीनों को ही क्या कहा जाएगा, संशोधन। हो सकता है कि नया क्वेश्चन क्रम से बन जाए कि संविधान में कौन सा क्रम संशोधन का सही है, तो शब्द क्या है, रटिए, परिवर्धन, दूसरा क्या, परिवर्तन, तीसरा क्या है, निरसन। अब भाई आगे बढ़िए, भाई तीनों बता ही दिया गया। हाँ, अब यहाँ एक क्वेश्चन बहुत अच्छा जे का बनता है कि क्या संविधान सभा ने जो संविधान बनाया है तो क्या निरसन के अंतर्गत क्या हमारी संसद पूरे संविधान को ही समाप्त करके नया संविधान बना देगी। तो आपका फिर एक बार याद रखिए, ये क्वेश्चन बना है कि किस केस में कहा गया कि निरसन का मतलब ये नहीं हुआ कि हमारी संसद पूरे संविधान को ही क्या कर दे, समाप्त। तो किसको समाप्त नहीं कर सकती, बेसिक स्ट्रक्चर को, तो तुरंत बता दीजिए किस केस में कहा गया। हाँ, रटे रहिए भाई, क्वेश्चन बहुत अच्छा बना है, फिर हम बता रहे हैं एक बार, यही छोटी छोटी बातें जे के लिए महत्वपूर्ण है और जीएस के लिए। फिर एक बार देखिए इसको, संसद नया संविधान नहीं बना सकती, कुछ परिवर्तन भले कर दे, परिवर्धन कर दे, कुछ निरसन करे, लेकिन पूरे संविधान को निरसित करके संसद को पावर नहीं है कि वह नया कान माने नया संविधान ही बना डाले। ये किस केस में कहा गया, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो किसको संशोधित या परिवर्तित या निरसित नहीं कर सकती, जो संविधान का क्या है, और सोमवार को हम बेसिक स्ट्रक्चर डिटेल में एक लेक्चर लगेगा ही, बताएंगे पूरा इतिहास से बताएंगे। अगला देखिए भाई, आगे सब फिर एक बार देखिए, परिवर्धन, परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन, इस अनुच्छेद में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण कर सकेगी, अर्थात इसका मतलब कि जब भी संसद संविधान में संशोधन करे
अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया का क्या करना पड़ेगा। पालन, तो कल बताया था मैं, पिछले टर्न पर बताया था, वो भी याद रखिएगा, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि किसी भी संविधान संशोधन को किस आधार पर चैलेंज या चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दे सकते हैं। दो आधार, रट कर जाइए। पहला, अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया का पालन, क्योंकि स्पष्ट लिखा गया कि जब भी संशोधन करिए इस अनुच्छेद में दी गई प्रक्रिया का क्या करिए, और दूसरा, इस संशोधन से संविधान का क्या उल्लंघित होता है, बेसिक स्ट्रक्चर। बस दो रट कर जाइए, कितने आधारों पर, दो। पहला खंड भाई समाप्त हुआ, दूसरा खंड अब देखिए, इस संविधान के संशोधन का आरंभ करवाइए। अब आरंभ में दो तीन पॉइंट बनता है कि संविधान में एमेंड तो जान लिए ना, तो एमेंड जब किया जाएगा तो लोकसभा में पहले विधेयक पेश किया जाएगा संविधान संशोधन का, कि राज्यसभा में, कि किसी भी सदन में पहले पेश किया जा सकता है, किसी में, तो वही शब्द पकड़ना है। देखिए, हम अपने मन से नहीं बता रहे, एक-एक शब्दों की बस आप ही घर पर ऐसे ही करिए, जो शब्द दिए गए हैं उसका अर्थ जान लेंगे तो अपने आप कानून आ जाएगा। तो देखिए, फिर हम बता रहे हैं, इस संविधान के संशोधन का आरंभ, आरंभ माने प्रारंभ, आपका संसद के किसी सदन में इस प्रयोजन के लिए, प्रयोजन माने उद्देश्य के लिए, विधेयक पुनः स्थापित करके ही किया जा सकेगा। विधेयक माने मसौदा या बिल, और पुनः स्थापित का मतलब हुआ पेश करके। तो यहाँ भी पूछा जाता है, यहाँ जो आपका पूछा जाता है, आपका पुनः स्थापित यानी कि परिचय करा मैंने आपका पेश करके, यहाँ भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा विधेयक है जो राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाता, बताइए कौन सा विधेयक है। हाँ, धन विधेयक। तो राज्यसभा के विचार के लिए तो वहां रखा जाता है, लेकिन पुनः स्थापित यानी कि प्रस्तुत विधेयक के रूप में नहीं किया जाता। तो कितने दिन में विचार प्रकट कर दे राज्यसभा, तो कितने दिन रोक सकती है। अब भाई इतना तो याद ही होना चाहिए, संविधान के लोग पढ़े, 14 दिन। बाद मान लिया जाएगा कि सब कुछ क्या है, तो फिर बैक होइए भाई। पुनः स्थापित जो शब्द है, इसको आप एविडेंस से भी जोड़ सकते हैं, क्या ये शब्द एविडेंस में कहीं प्रयोग हुआ कि नहीं, परिचयात्मक, तो परिचय कराना, पूरा स्थापित मैंने परिचय कराना, इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस। तो बताइए एविडेंस की पुराने लोग तो बताएं, नौ, कौन सी एविडेंस की धारा है, नौ जोड़ सकते हैं पूरा स्थापित। फिर एक बार देखिए, के लिए विधेयक पुनः स्थापित करके ही किया जा सकेगा, और जब वह विधेयक प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत। अब आइए, कुल सदस्य संख्या माने मेंबर नहीं, कुल सदस्य संख्या के क्या, तो पहले 550 का बहुमत निकालिए, इतना ही तो हो सकती है, तो 550 का आधा से कितना अधिक, तो आपका हम निकाल लेते हैं, आपका 250 और आपका 276, ये आपका कुल सदस्य संख्या का क्या, तो कुल सदस्य संख्या कितनी है लोकसभा में, अगर हम लोकसभा में पेश करवाएं 550, तो उसका बहुमत कितना हो गया, आधा से एक अधिक, तो कितना, कम से कम इतना वोट तो कम से कम होना ही चाहिए, इससे कम है तो कोई मतलब है नहीं। आगे बढ़िए, शब्द अभी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा, तथा, तथा मैंने इसी के साथ जुड़ा है कि अलग है, बताइए, एंड रहेगा तो मैं आईपीसी में बताया था आपका 24 में भी, जुड़ा है कि अलग है, और आर रहेगा तो बेईमानी में पूछा जाता है कि सदोष लाभ या सदोष आन, या है कि और है, या है। फिर वहीं देखिए, तथा, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए, फिर हम बता रहे हैं, तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई
बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है। तो यानी कि एक तो आपका लोकसभा में पेश हुआ तो उस कुल सदस्य संख्या का बहुमत यानी कि कितना, 276। फिर बता रहा है तथा, तथा मने इसी के साथ दूसरी शर्त की भी क्या होनी चाहिए, पूर्व उस सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का कम से कम कितना, दो तिहाई। तो मान लीजिए 500 लोग हैं मतदान कर रहे हैं, तो 500 मतदान करेंगे तो इसका कितना हम निकालें, दो तिहाई निकालिए भाई, आपका एक हो गया आपका 3 6 18, फिर दो माने 167 मान लिया जाए, 2 से गुणा कर दीजिए तो 7 दूनी 14 यानी कि कितना, यानी कि अगर 500 सांसद सदन में है वोटिंग कर रहे हैं तो इसका दो तिहाई यानी कि कम से कम कितना लोकसभा का, 334 सदस्यों द्वारा उस संविधान संशोधन के पक्ष में, विरोध में नहीं पक्ष में, क्या दिया जाए, मतदान। अब एक पॉइंट और याद रखिए, ये जो आएगा यानी कि ये जो संख्या आएगी ये किसी भी हाल में बहुमत से कम नहीं होनी चाहिए। फिर एक बार समझिए, ये जो दो तिहाई आएगी संख्या ये कहाँ से कम ना हो, बहुमत से। क्योंकि तो पहली शर्त है कि बहुमत से कम ना हो, तो कम से कम 276 सांसदों का तो समर्थन चाहिए ही। उसके बाद हम जो उपस्थित और मत देने वाले हैं उनका कितना काउंट करेंगे, दो तिहाई पक्ष में मतदान करें। फिर एक बार हम बता रहे हैं ये जो दो तिहाई आएगा वह कितने से कम न होना चाहिए, 200। अगर 275 ही आता है तो वह विधेयक पास होगा कि नहीं होगा। यानी कि पहला पॉइंट यह है कि बहुमत हो और फिर वह प्रस्ताव कितने से पास हो, दो तिहाई, तो दो तिहाई आपका इस संख्या से कम न हो, याद रखिएगा। अगला शब्द देखिए, आपका अगला शब्द ये है कि औ है तब वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जो विधेयक को अपनी अनुमति देगा। अब देगा का मतलब क्या हुआ कि राष्ट्रपति, अब आइए अब यही क्वेश्चन आपका पकड़ना है कि संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति एसेंट या अनुमति देने के लिए बाध्य है कि उसका विवेकाधिकार है। तो बताइए देगा मतलब क्या, हाँ रट बाउंड है, तो अब बाउंड है तो एक दो क्वेश्चन और निकालिए भाई कंपटीशन के लिए, कहाँ कहाँ बाउंड है। तो आईपीसी की धारा 76 थोड़ा गौर करिए तो 76 पढ़ा गया है, अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए लॉ द्वारा बाउंड है, बाध्य है, तो ऐसी दशा में वह कार्य करता है तो वह कोई अपराध नहीं किया। तो बात अब आइए, जो सामान्य विधेयक है थोड़ा गौर करिएगा, अगर हाँ ये पूछा गया कि कब ये प्रावधान जोड़ा गया कि भारत का प्रेसिडेंट संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य है, ये संविधान संशोधन पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन द्वारा, तो गलत न हो आपका किस संविधान संशोधन द्वारा, 24वें भाई गलत न हो। अब आइए थोड़ा सामान्य विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक की तुलना कर लिया जाए। देखिए अगर संविधान संशोधन विधेयक है राष्ट्रपति के यहाँ प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति आनाकानी नहीं करेंगे, हर हाल में उस पर अनुमति देने के लिए क्या है, तो बाध्यता कब जोड़ी गई ये पूछा जाता है। फिर एक बार हम बता रहे हैं दोबारा, 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 किसने, इंदिरा गांधी ने जोड़ी थी। थोड़ा उन्हें संदेह था कि हो सकता है कि हम पूरा संविधान बदलें तो राष्ट्रपति साइन करें कि। अब सामान्य विधेयक देखिए कहाँ से गवर्न होंगे, 111 से, और संविधान संशोधन विधेयक, यही अंतर करना है, ये संविधान सामान्य विधेयक नहीं है। सामान्य विधेयक कहाँ से गवर्न होंगे, अनुच्छेद 111 से। तो अगर मान लीजिए कि ट्रिपल तलाक का कानून पास होता है, हो ही गया है,
और राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो इसमें तो संविधान में संशोधन हुआ नहीं, अलग से संसद ने अधिनियम बनाया। तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अनुमति देते हैं? 111, वहाँ राष्ट्रपति को विवेक है। देखिए क्या क्या विवेक है। एक तो वह पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है, यानी कि अपना मेज पर पड़ा रहने दे, कुछ न करे। दूसरा, पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा सकता है, मंत्रिपरिषद को, कि इस विधेयक पर एक बार आप क्या करिए, पुनर्विचार। तीसरा ये है, आपका कह सकते हैं कि ये आपका पुनर्विचार के लिए। और तीसरा ये है कि डिले करता रहे, यानी कि अनुमति ही न दे, वैसे ही पड़ा रहने दे, तो आपका मैंने तमाम उपाय हैं, या अनुमति दे दे, तो ये सब उपाय हैं आपका। लेकिन किस विधेयक के बारे में, चाहे अनुमति दे या अनुमति देने से इनकार कर दे या पुनर्विचार के लिए क्या करे, लौटा दे। इस विधेयक में नियम लागू होगा, संविधान संशोधन में नहीं, ये किस विधेयक में, साधारण विधेयक में। और संविधान संशोधन में राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए क्या है बात। अब अगला शब्द देखिए भाई, हाँ, देगा, और तब, यानी कि जब राष्ट्रपति क्या दे दे, अनुमति, तब क्या होगा। संविधान उस विधेयक के निबंधनों के अनुसार संशोधित हो जाएगा, यानी कि जो विधेयक में प्रावधान किए गए हैं, अब उस विधेयक के अनुसार संविधान में एमेंड हो जाए। तो इतनी बात बताई गई। अब आगे पढ़िए, परंतु, सबसे खतरनाक परंतु है, यही आपका जानना है। देखिए भाई, परंतु यदि ऐसा संशोधन, अब ध्यान से थोड़ा समझिए, यानी कि आपका फिर एक बार देखिए, कॉन्सेप्ट बनाइए, तब हम देखिए। कुछ संविधान संशोधन है कि संसद के कैसे बहुमत से साथ, ये तो 368 से बाहर है। कुछ संविधान संशोधन ऐसे हैं जो कुल सदस्य संख्या जो है, माने लोकसभा या राज्यसभा, अलग अलग, उनकी आपका बहुमत, और बहुमत के साथ साथ एक हमने और बताया था कि उपस्थित और मत देने वालों का कितना मत, 2/3 से पास। लेकिन जो ये खंड 2 का परंतु है, अब ध्यान से यही रखना है, अगर क्लाज 2 के प्रोविजो में कोई प्रावधान आता है, तो इसके लिए संविधान में जो संशोधन का प्रोसीजर है वह भिन्न है, और इस प्रोविजो में आने वाले प्रावधानों में संविधान में जो संशोधन होगा वह कैसे होगा, तो संसद का विशेष बहुमत, यानी कि कुल सदस्य संख्या का बहुमत, तथा उपस्थित और मत देने वालों का 2/3, वो तो फॉलो किया ही जाएगा, और कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का क्या चाहिए, अनुसमर्थन। तो अनुसमर्थन चाहिए, तो मान लीजिए कि आपका भारत में, मान के हम चलते हैं, 28 राज्य हैं, तो बताइए कितने का अनुसमर्थन कम से कम मिल जाए, तो ये परंतु का काम हो जाएगा, 14 की 15 की 13, आधा से अधिक। मैं बता रहा हूँ कि कम से कम आधा, आधा से अधिक न मार कर आइएगा, कम से कम कितना। अब यहाँ थोड़ा एक कॉन्सेप्ट बनाइए, तब डायरेक्ट आगे बढ़ा जाए। अब ये जो प्रक्रिया आपका अपना, भाई अमेरिका से कोरिलेट करके पूछा जाता है, वो भी हमें बताना है। अमेरिका में सेम प्रक्रिया है, लेकिन ये जो राज्यों का अनुसमर्थन है वह आधा न होकर 2/3 है। यानी कि अगर आपका अमेरिका में, मान लीजिए आपका, कह सकते हैं कि 30 राज्य हैं, वैसे राज्य 50 है, 30 राज्य हैं, तो 2/3 का मतलब ये हुआ कि 20 राज्य, कम से कम 20 राज्य उस संविधान संशोधन को क्या करें, मान्यता दें, अनुसमर्थन। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में अगर 30 राज्य हैं तो कम से कम कितने राज्य अनुसमर्थन कर देंगे, तो संशोधन मान लिया जाएगा आपका 15। और जब 15 राज्य का कोटा पूरा हो गया, तो वह राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, और राष्ट्रपति साइन करने के लिए क्या है,
वो तो पहले ही बता दिया गया, अब कहाँ बताना है। अब यहाँ थोड़ा एक जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में, देखिए भारत में जो राज्य हैं उनकी आबादी में बहुत ज़्यादा अंतर है। आप अगर देखें तो 8-10 राज्यों को अगर हम ले लें, 10-12 राज्यों को, तो 75% जनता 12-13 ही राज्यों में निवास करती है और अन्य जनता 25% अन्य राज्यों। तो इसका मिसयूज इंदिरा गांधी ने किया था। देखिए कैसे, जो पूर्वोत्तर के छोटे छोटे राज्य हैं उन राज्यों से ये संविधान संशोधन का क्या करा दिया, अनुसमर्थन, और जैसे ही आधा पूरा हुआ वैसे ही संविधान में क्या हो गया। यानी कि इसका मतलब है कि 25% वाले 75% राज्य में राज्य में माने जो जनसंख्या है वो 75% पर प्रिवेल कर जाएगी, क्योंकि राज्य दिया है, जनसंख्या से कोई मतलब नहीं है। और भारत में राज्य ऐसे हैं जो छोटे छोटे हैं, जहाँ विधानसभाएं हैं उन्हीं में से आधा राज्य जोड़ लीजिए, तो हमें लगता है 25-30% जनसंख्या मिलकर क्या करेगी, परंतु का काम कर देगी। तो एक कमी है, तो भाई होना क्या चाहिए, तो जनसंख्या के आधार पर देखना चाहिए कि इतने माने आधे राज्य, लेकिन ऐसा नहीं है। किसके आधार पर यहाँ देखा गया है, जनसंख्या नहीं बल्कि इसके आधार पर राज्य। अभी है कि विधान मंडल पास करे, इस पर हमें देखना है, अनुसमर्थन करे। तो अब कई कई राज्य विधान मंडल को पहले समझिए, राज्यों में जो विधान मंडल है वह किससे मिलकर बनता है। तो बताइए, संसद किससे मिलकर बनती थी, लोकसभा, राज्यसभा, और अभिन्न अंग कौन था, राष्ट्रपति। तो राज्य विधान मंडल, यूपीजे में क्वेश्चन बना है कि राज्य विधान मंडल में कौन शामिल है, विधानसभा, यानी कि जहाँ जहाँ विधानसभा तो हर एक जगह है, विधानसभा, और जहाँ जहाँ विधान परिषद है परिषद, ये दो सदन होंगे, और विधान मंडल का अभिन्न अंग कौन होगा, राज्यपाल। तो अब आप लोग बताइए क्वेश्चन कि राज्य विधान मंडल में कौन शामिल है, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल, उपर्युक्त, सभी, क्या मार कराएंगे। तो सदन कितने हैं, दो, कौन कौन, आपका विधानसभा और सदन नहीं है लेकिन अभिन्न अंग है, कौन, गवर्नर। लेकिन जहां विधान परिषद नहीं है ये भी याद रखिए, वहां कौन आपका शामिल है विधान मंडल में, विधानसभा, और कौन, राज्यपाल। ये क्वेश्चन आ चुका है, यही छोटी छोटी बातें गौर करनी है भाई, और कुछ नहीं। पढ़ाने के तो आप भी घर पे पढ़ते हैं, आपका तमाम जगह LLB में पढ़े होंगे, लेकिन टेक्निकल पॉइंट कहाँ है उसी को हमारा कर्तव्य है बताना। और तो रट्टा ही मारते हैं लोग, कोई ये थोड़े कि नहीं पढ़े होंगे। तो देखिए अब, यानी कि फिर एक बार, परंतु में अगर मामला आ गया तो भाई नियम अलग चला जाएगा, और कम से कम कितने राज्यों का अनुसमर्थन, भारत में आधा, अमेरिका में अगर नियम है कितना, 2/3, मैं 2/3। अब परंतु में देखिए, परंतु में जो प्रावधान दिए गए हैं, अनुच्छेद आपका 54 दिया गया है, तो 54 में क्या है, अब एकाएक अनुच्छेद जो भाग है वो तो देखना ही पड़ेगा। तो बताइए 54 में क्या है भाई, पुराने लोग तो बताएं। देखिए फिर एक बार, 54-55 देखिए, उत्तराखंड है, पिछली बार पूछा गया, तो भाई थोड़ा संविधान याद करके जाइए, आसान नहीं है कि आप जे में कर ले जाएंगे, टेक्निकल क्वेश्चन। फिर एक बार देखिए भाई, अनुच्छेद 52 से हम शुरू करते हैं, 56 तक एक बार रटवाएंगे, फिर रटवाया जाएगा परीक्षा के समय। अनुच्छेद 52 बताता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 10 होगा कि एक, कौन सा अनुच्छेद। हाँ चलिए, हाँ कई लोग कह देंगे दो होगा, लड़ाई थोड़े करवानी है, दो, एक अनार दो बीमार हो जाएंगे, यानी कि एक पद पर दो दावेदार, तो कुर्सी की छीना झपटी हो जाएगी, तो एक ही रखे। संघ की कार्यपाल, अनुच्छेद 53, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। और पूछा गया था कि सर्वोच्च कमांडर सेना का कौन होगा,
तो राष्ट्रपति, ये कहाँ दिया गया है? 53 में आपका निर्वाचक मंडल दिया गया, यही क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कहाँ दिया गया है, अर्थात भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वह लोग हैं जो वोटिंग करेंगे, इसी को हम क्या कहते हैं? निर्वाचक मंडल। तो एक बार फिर निर्वाचक मंडल बताइए। अब बताइए, लोकसभा के सभी सदस्य की निर्वाचित भाग लेते हैं। हाँ, रटे तो हैं भाई। राज्यसभा के कौन से? सभी की निर्वाचित, निर्वाचित। और विधानसभा के निर्वाचित की? सभी। अब यही तीनों देगा देगा जो भरमाता है, सभी और निर्वाचित में ही भरमाता है। तो सभी ना मार कर आइएगा, आप केवल क्या मार कर आइएगा। अब एक क्वेश्चन और देखा जाए, तब आगे बढ़ेंगे भाई। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन लोग भाग नहीं लेते? अब देखिए, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य लेते ही हैं, राज्यसभा के निर्वाचित लेते हैं भाग, विधानसभा के निर्वाचित ये भी, और विधान परिषद के सदस्य। तो कौन इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता, मतदान नहीं? हाँ, कौन नहीं लेता? विधान परिषद नहीं लेता। सही बात है, चाहे विधान परिषद अब किसी घुमाए, अब ये नहीं कि घूम जाइए। आप दो पॉइंट याद रखिए, एक ये कहीं सब देखिएगा, सभी कि निर्वाचित, जहाँ निर्वाचित लिखा रहे उसी को मारिएगा। बहुत आईएएस और जेओ में बहुत फंसाता है इस क्वेश्चन को। अब ये अगर इसमें परिवर्तन करना है कि भाई और किसी राज्य को राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेने के लिए कह दिया जाए, तो आपका ऐसे परिवर्तन नहीं होगा। इसमें परिवर्तन कब होगा कि संसद विशेष बहुमत द्वारा उस संविधान संशोधन विधेयक को पास करे, और फिर कम से कम आधा राज्य अपनी विधानमंडलों से क्या कराएं, अनुसमर्थन, तब ये संविधान में संशोधन होगा। तो आपका दो जगह याद रखना है भाई, दिल्ली और जो पांडिचेरी थी, ये अब राष्ट्र, यहाँ विधानसभा है, भले ये संघ शासित प्रदेश हो, यहाँ विधानसभा सृजित है, और यहाँ विधानसभा के लोगों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया है। तो ये संशोधन कैसे हुआ होगा, तो इस प्रक्रिया का क्या करते हुए पालन, क्योंकि जैसे ही आपका निर्वाचक मंडल आप बढ़ाते हैं तो इस परंतु में मामला आएगा, और इस परंतु को क्या करना पड़ेगा, फॉलो। याद रखिए, ऐसे ही नहीं दिल्ली और पांडिचेरी वोट देते हैं विधायक, ये प्रक्रिया पूरा क्या किया होगा। दूसरा देखिए, अनुच्छेद आपका अगला दिया है। हाँ बताइए, अभी राज्य कहाँ है? अभी तो वहाँ कुछ है ही नहीं, आएगा तो बताया जाएगा भाई, अभी छोड़ दीजिए। विधानसभा के लोग देते थे, लेकिन अब तो कुछ है ही नहीं, संघ शासित प्रदेश है, वहाँ विधायिका ही नहीं है, तो कोई वोट नहीं देगा वहाँ से, अगर चुनाव वर्तमान में होता है। अब हो सकता है चुनाव हो, अगला साल चांस है, वो परिसीमन शुरू हो गया है शायद। अगला देखिए, अनुच्छेद आपका 54 के बाद 55। अब 55 देखिए, इससे ये फायदा होगा कि एक तो अनुच्छेद तैयार हो रहा है, उसकी पूरी बात भी तैयार हो जा रही है, और उसमें एमेंड करना है तो कैसे होगा, ये भी हो जा रहा है, तीनों एक साथ चल रहा है। अनुच्छेद 55 में क्या है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन का मेथड, मेथड मतलब तरीका, तरीका मतलब ढंग, ढंग मतलब प्रक्रिया। तो क्वेश्चन देखिए कैसे बना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन का ढंग किस अनुच्छेद में दिया गया है? 55। तो फिर एक बार याद रखिए, यही गलती होगी, निर्वाचक मंडल किस अनुच्छेद में, कौन वोटिंग करेंगे? 54। और निर्वाचन का तरीका किस अनुच्छेद में? 55। और कैसे हटाया जाएगा? नहीं, महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है 56, और महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61, 61। ये क्रम से बताया जाएगा आगे, लेकिन प्रयास ये करिए कि अभी से भाई बैठिए आगे, वहीं बैठिए, टेक वोक तो नहीं लेना हो, नहीं तो दीवार के पास चले जाए, टेक लेना जैसे हम लिए हैं कुर्सी पर। हाँ बैठिए, तब टेक नहीं लेना है तो आगे कर लीजिए भाई। हो सकता है थोड़ा शरीर पुरवैया चल रहे ना, तो समय समय पर
पिरोने लगता है। पिरोना जानते हैं ना, पिरोना मतलब कि उसको क्या बोल, दर्द करने लगता है। इस मौसम थोड़ा खराब है तो हो सकता है कि शरीर क्या करे, समय समय पर पिरोने लगे। तो दवा दारू नहीं भाई, देखिए मुंह से गलत निकल गया, शब्द वापस लिया जाता है। तो अगर मैंने पिरोने लगे तो दवा ववा लेकर चलना चाहिए, बैग होगा, हम भी लेकर चलते हैं भाई, पॉकेट में रखे हैं दवा, कब तबीयत खराब हो जाए तो पॉकेट में एक दो टिकिया रखे रहते हैं। देखिए आगे भाई आपका, फिर एक बार देखिए, निर्वाचन का ढंग गलत ना हो, किस अनुच्छेद में रटवाया जा रहा है ये समझिए, 55 में। निर्वाचन कैसे होगा, तो आनुपातिक पद्धति द्वारा, एकल संक्रमणीय यानी कि आपका सिंगल ट्रांसफरेबल, आपका गुप्त गुप्त मतदान द्वारा होगा। अब उतना संभव नहीं है बताना कि आपका तुरंत बता दें, लेकिन इस मेथड में बदलाव लाना है तो आधे राज्यों का भी अनुसमर्थन उस विधेयक पर क्या होना चाहिए, चाहिए, तब तक बदलाव नहीं। अगला देखिए, अनुच्छेद आपका 73। अब आपका अनुच्छेद जो 73 है, अब वह क्या बताता है, तो कार्यपालक शक्ति बताता है। तो देखिए आपका अनुच्छेद 73 भाई, एक बार बेर एक निकाल लिया जाए ना, सही रहेगा भाई, देख ले रहे हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अब यहाँ आपका आईएएस में भी आपका क्वेश्चन बना है भाई कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किस सीमा तक होगा, तो बस एक लाइन बचा जवाब दीजिएगा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उस सीमा तक होगा जिस सीमा तक संसद को कानून बनाने का क्या है पावर, उसके पैरल होगा। यानी कि जिन विषयों पर संघ कानून बना सकता है वह संघ की किस में आ जाएंगे, सभी विषय कार्यपालिका, याद रखिए, जिस विषय पर ये पूछा गया किसके समकक्ष होगा, तो संसद की कानून बनाने की शक्ति। तो अगर संसद की कानून बनाने की शक्ति को बढ़ाना है तो क्या अकेले संसद बढ़ा सकती है, नहीं, इसके लिए कम से कम आधे राज्यों का क्या चाहिए, संसद अकेले अपनी शक्ति नहीं बढ़ा सकती, इसका मतलब। अगला देखिए, अनुच्छेद 162, 241 और अनुच्छेद 279 है, ये जो 279 ये ही महत्वपूर्ण है, 279A जीएसटी से संबंधित है और जीएसटी का मामला आपका इसमें रखा गया है, इसका मतलब ये हुआ कि 279A कब जोड़ा गया, तो 101वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया आपका, और आपका जीएसटी यानी कि इसका मतलब हुआ अनुच्छेद 368 में अनुच्छेद 279A रखा गया, इसका मतलब ये हुआ कि अगर जीएसटी में बदलाव लाना है तो ऐसे नहीं हो जाएगा, कैसे होगा, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, और संशोधन कैसे होगा, तो संसद का विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों का क्या, 101वें संविधान संशोधन द्वारा, मैं बता दूं बस एक अनुच्छेद जोड़ा गया है इसमें कि जीएसटी का जो मामला है वह सादे बहुमत से संसद नहीं पास कर सकती, विशेष बहुमत से भी नहीं, बल्कि विशेष बहुमत और कम से कम कितने राज्यों का अनुसमर्थन, आधा, इसीलिए जोड़ा भी गया कि पूरे देश को क्या किया जाए। तो ऐसी दशा में हुआ क्या, आपने देखा होगा कि जो भाजपा शासित राज्य थे तुरंत तुरंत विशेष सत्र बुलाकर एक माह में सब क्या किए, और उसके बाद जब आधा हो गया तो राष्ट्रपति अनुमति दे दिए और कई कांग्रेसी सरकारें इसका विरोध करती रही, लेकिन आधा वही है कि आधा जब हो गया तो यह प्रस्ताव क्या हो गया, अनुसमर्थित, और उसके बाद राष्ट्रपति के यहाँ जाएगा तो राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए क्या है, यहाँ भी लेगा कि बात है, लेकिन कब जाएगा राष्ट्रपति के हैं, जब कम से कम आधे राज्य क्या प्रदान कर दें और समर्थन। इसको आगे आपका सोमवार को बताया जाएगा,
मैंने अभी आपका एक एक अनुच्छेदों को भी हमें तैयार करना है कि किस अनुच्छेद में क्या है। तो सोमवार को भाई कॉपी भी लेते आइएगा, ये अनुच्छेद समाप्त हो जाएगा तो लिखवाना भी है, और साम्या लिखवाया जाएगा, हो जाएगा पूरा लिखवाने का कार्यक्रम तो लेक्चर दिया जाएगा, और टीपीए तो अभी आपका लिखवाया ही गया है, ज़्यादा है नहीं।